अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्री रेडिकल इंजरी का सेकंड पार्ट। क्योंकि मैंने इस बुक को बीआरएस से, फर्स्ट एड से और पैथोमा से, तीनों बुक से मिलाकर बनाया है, तो ये टॉपिक थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया है और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज कवर हुए हैं। तो एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अब हम पढ़ते हैं इसका वीडियो का सेकेंड पार्ट के हाउ फ्री रेडिकल्स डैमेज द सेल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं जिसमें हमारे पास रिएक्टिव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जाके हमारे बॉडी में जितने भी बॉन्ड्स हैं, यानी जितने भी सेलुलर बॉन्ड्स हैं, उनके ऊपर जाके अटैक करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं और या फिर उनके साथ जो है रिएक्ट करके अनवांटेड स्पीशीज़ बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो बॉडी के बॉन्ड्स को ब्रेक कर और फिर अनवांटेड रिएक्टिव स्पीशीज़ बना देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि हाउ इट डैमेज द सेल मेम्ब्रेन। ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन करा देता है और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करा देता है, यानी लिपिड्स में जाकर उसके साथ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करा देगा और प्रोटीन को जो है डिफरेंट टाइप्स में प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना देगा। अगर आपको पेप्टाइड चेन्स के बॉन्ड याद हों कि उसमें एक रेडिकल होता है, तो रेडिकल के साथ छेड़छाड़ करके ये अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को बिगाड़ देगा। डीएनए डैमेज कराता है, डीएनए में जाकर ये फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, यही ये पॉइंट हम बायोकेमिस्ट्री में अगेन पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो डीएनए में जाकर फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए म्यूटेशंस होती हैं और ये म्यूटेशंस फर्दर आगे जाकर कैंसर कॉज करती हैं। ठीक हो गया। देन रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, यानी NADPH को जो है वो रिड्यूस करती हैं और फिर जो है वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करती हैं, किलिंग ऑफ न्यूट्रोफिल्स वगैरह कराती हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन को सस्टेन करती हैं और प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी को फिर सफ़र करना पड़ता है। एंड ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनके साथ ट्रैक करके उनकी डेपोजिशन में हेल्प करती हैं, जैसे हीमोसिडरोसिस हो गया या जो है विल्सन डिजीज़ में कॉपर एक्यूमुलेशन हो गई। WBCs को ओवर एक्टिवेट कर देते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजिस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनके Phase 1 मेटाबॉलिज्म में जाकर इंटरफेयर करते हैं और ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट कॉज कर देते हैं हमारी बॉडी में। तो ओवरऑल फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बॉडी के बॉन्ड्स के ऊपर जाकर, जितने भी केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर जाकर उनको एक्ट करते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, अल्ट्रेशन इन शेप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब फ्री रेडिकल अगर इतने ख़तरनाक हैं तो उनको किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए? उनको इस तरीके से एलिमिनेट किया जाए कि एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाएं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथियोन, उसके बाद मल्टी विटामिन्स हैं जैसे कि विटामिन A, C और E। ठीक है, ये विटामिन्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी जो हैं वो डाइटिशियंस हैं या जितनी भी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, वो ग्लूटाथायोन और विटामिन ए और ई का नाम ले लेके अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचती हैं, क्योंकि ये जो हैं वो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं और हमारी बॉडी को इंजरीज से बचाते हैं, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी के फंक्शन स्मूथ हो जाते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और जो है वो ऑटोमेटिकली कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि कैटलेज हो गया, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हो गया और ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज हो गया। ये वो एंजाइम हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और ये जितनी भी हमारी फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं और फ्री रेडिकल स्पीशीज बनते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं या उनको नॉन रिएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इसके अलावा मेटल कैरियर प्रोटीन्स जैसे कि ट्रांसफेरिन, जितना ज़्यादा आयरन बनता है उसको फिर ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड होना होता है, इसी तरह जितना ज़्यादा कॉपर एक्सेस में होता है तो सेरुलोप्लाज्मिन्स के साथ बाउंड हो जाता है बॉडी में। तो मेटल कैरियर प्रोटीन्स भी जो हैं वो फ्री रेडिकल की एलिमिनेशन कराते हैं और कुछ जो फ्री रेडिकल फिजियोलॉजिकल बन रहे थे उनको स्पॉन्टेनियस डीके के ज़रिए से ख़त्म कर दिया जाता है बॉडी में। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में हर तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया हुआ है हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाने के लिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और कौन से कॉमन एमसीक्यूज पास पेपर में हैं, क्योंकि रफ़ीउल्लाह के जनरल पैथोलॉजी के पोर्शन में ये सारे एक जगह पर नहीं थे, लेकिन ये सारे एमसीक्यूज मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में पढ़े हैं तो मैंने इनको एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है। अगर आपको एडिट बीसीक्यूज मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि पढ़ने वाले जब उसको रीड करें तो सबके पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाएं। तो पहली चीज़ क्या है,
साइटोक्रोम सी जो होता है वो जनरेट करता है फ्री रेडिकल्स को इन आर बॉडी. ये फिजियोलॉजिकल जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स है, ठीक है. और एसीटो अमाइनोफिन जो होता है वो इंटरफेयर करता है साइटोक्रोम P450 के साथ और जनरेट करता है फ्री रेडिकल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी. तो पॉइंट टू रिमेंबर इज व्हाट, एसीटो अमाइनोफिन इंटरफेयर विद साइटोक्रोम P450. ओके, देन हमारे पास फेंटन रिएक्शन क्या होता है कि मेटल स्टोरेज डिजीज़ जो होती हैं वो जनरेट करती हैं फ्री रेडिकल्स को, जैसे कि विल्सन डिजीज़ हो गया या हीमोक्रोमाटोसिस हो गई. तो इसमें जितने भी एक्सेस ऑफ मेटल्स जो हैं वो जब बॉडी में स्टोर होने लगते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स के तौर पर काम करते हैं. ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का क्वेश्चन बहुत दफ़ा आप लोग की नज़रों से गुजरा होगा कि अगर न्यू नेट्स को, प्री मेच्योर बेबीज़ को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन पे रखा जाए तो उनके एक आइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, ठीक है. और इसके बाद मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जो पेशेंट लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन पे रहते हैं उनको ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, एक्लेजिया और सबक्यूटेनियस इम्फाइसीमा हो जाता है, ठीक है. और अगर मैं ये बात करूँ कि उन पेशेंट में जो कि ऑलरेडी VSD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी वो पेशेंट जिनके दिल में सुराख होता है, ठीक है, अगर उनको हाइपर ऑक्सीजन से ट्रीट किया जा सके जाए, ठीक है. यूजुअली बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ASD और VSD होता है लेकिन वो लाइफ में सही सर्वाइव कर रहे होते हैं. डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, बहुत सारे CP चाइल्ड होते हैं, टर्नर्स के बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो सर्वाइव कर रहे होते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर इनको हाइपर ऑक्सीजन से ट्रीट किया जाए, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो देकर इनके ब्रोंकोनमोनिया को ट्रीट करने की कोशिश की जाए तो इसमें रिवर्सल ऑफ शंट हो जाता है, यानी दोबारा से जो शंट जो था अपने स्टैटिक कंडीशन में आ गया था वो दोबारा से बिगड़ जाता है और दोबारा से साइनोसिस हो जाती है और दोबारा से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड देन फर्दर डेथ में ही चले जाते हैं ये. रीपरफ्यूजन इंजरीज जो हैं वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपीज़ के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी में. और मोस्ट पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. तो हमने यहाँ पे वो सारे MCQs भी डिस्कस कर लिए जो कि पास पेपर में आते हैं, एडिशनल MCQs भी हैं और मैं कोशिश करूँगी कि हर टॉपिक के साथ उसके MCQs डिस्कस किए जाएँ. होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है. कोई मिस्टेक की है मैंने तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट कीजिएगा, ठीक है. और एड ऑन MCQs कमेंट सेक्शन में ज़रूर एड ऑन किया करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़.